अदन बाजी, गरम खाना निकाल लें। ये सबका छोड़ा हुआ क्यों खा रही हैं? ये क्या, खाना तो सारा खत्म हो गया। खत्म कहाँ है, खा तो रही हूँ। ये तो सबका बचा हुआ है। तो क्या खाना जाया कर दूँ? शीमा, रिस्क जाया नहीं करते होते। अल्लाह ताला बहुत गुनाह देते हैं। अल्लाह का बहुत शुक्र है, उसने हमें पेट भरकर खाना दिया। आपने इतनी मेहनत से बनाया है और आपके लिए नहीं बचा, ये तो कोई बात ना हुई। लेकिन मैं तो खुशी खुशी खा रही हूँ। अदन बाजी, वो अम्मी आपको बुला रही है, मेहमानों के लिए बिस्तर लगा दें, उनको आराम करना है। अच्छा गुल्लू, इन्हें आराम से खाना तो खाने दो। लो जी, इधर खाना खाया जा रहा है। पहले सबके ना बिस्तर लगाओ, खाना कहीं नस के नहीं जा रहा, बाद में खा लेना। तो बन दीदों की तरह शुरू हो गई है खाने। अरे फड़, अच्छी तरह तो ओके ना, पानी भर के ले आ। जी ताई जी। जल्दी आ जाओ ना। और गल सुन मेरी, उन सबके साथ ना बैठकर खाना खाने की ना दोबारा कोशिश ना करना, वरना नवाला खाने के लायक नहीं छोड़ूंगी। एकदम ही सर्दी बढ़ गई। हे लीजिए आपकी कॉफी। थैंक यू। ये मौसम एकदम कुछ ज्यादा ही ठंडा नहीं हो गया? जी वो तहज्जुद के वक्त बारिश हुई थी ना, इसीलिए। तहज्जुद? आप तहज्जुद की भी नमाज पढ़ती हैं? हाँ, आपको पता है बहुत तेज बारिश हुई थी। क्यों, आपको सर्दी पसंद नहीं है? नहीं, सर्दियों में बस काम की स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। आप बताएं, आपको कौन सा मौसम पसंद है, सर्दियां गर्मी? मौसम तो सारे अच्छे होते हैं, सर्दी हो गर्मी हो, बहार हो खिजाओ, बस दिल का मौसम अच्छा। अरे वाह वाह वाह, दुर्योधन जी क्या बात कही आपने, मौसम तो सारे अच्छे होते हैं बस दिल का मौसम। आहा जबरदस्त, कितना पढ़ी है वैसे आप? नहीं अब तो नहीं पढ़ती, पर एफए किया है मैंने और उसके बाद लोगों को पढ़ा है। बस एफए किया है आपने? एफए करके आप फिलोसोफर बन गई। खुदा ना खास्ता कहीं अगर आप और पढ़ जाती तो पता नहीं क्या होती। वैसे अब मुझे समझ में आया कि आपको लोग कलंदर क्यों कहते हैं, काफी अकलमंदी की बातें करती हैं आप पहले हैं जिसने कहा है कि मैं अकलमंदी की बातें करती हूँ, वरना लोग तो पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, कलंदर हूँ, मलंग हूँ, झल्ली हूँ, पता नहीं क्या क्या। इन तीनों में से आपको क्या लगता है, आप क्या? मैं तो सिर्फ दुर्योधन। अच्छा सुने, ये भी कोई मेहमान नवाजी हुई है, जब से मैं आया हूँ कभी आप कुछ काम कर रही हैं, कभी आप कुछ कर रही हैं, कभी बैठे हैं मेरे साथ भी बातें बातें करें। अभी मुझे बिस्तर उठाने हैं, खाना बनाना है, सफाई करनी है, फिर बच्चे आएंगे उनको पढ़ाना। अच्छा अच्छा बस ठीक है, मैं समझ गया कि मेरा पाला एक इंतहाई मसरूफ शख्सियत से पड़ गया। आप जाएं अपने काम करें, बस मुझे ये बता दें कि अम्मा अब्बा कहाँ गए और कब तक आएंगे? वो तो सुगरा खाला के घर गए हैं, वो साथ वाले गांव में। आपको सुगरा खाला याद है, जिनके घर हम बचपन में जाया करते थे आम तोड़ने उनके बाग से? खैर आएंगे कब तक वो लोग? वो कह के गए हैं कि रात को देर से आएंगे, उनको तो वक्त लगेगा। आप नाश्ता क्या करेंगे, मैं बना देती हूँ। नाश्ते की कोई जरूरत नहीं है भाई, आपके गाँव आया हूँ, थोड़ा एक्सप्लोर करूँ गाँव को, नाश्ता मैं बाहर ही कर लूंगा। ठीक है, आपको कुछ भी चाहिए मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हाँ मुदस्सिर, हाँ हाँ आ गया हूँ, पहुंच गया हूँ खैरियत से। यार यहाँ का मौसम बड़ा अजीब है।